दोस्तों आज हम कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। दोस्तों सैमसंग कंपनी जो कि टीवी फोन वगैरह बनाती है, क्या आपको पता है सैमसंग का मतलब क्या होता है? सैमसंग एक साउथ कोरियन वर्ड है। सैमसंग, सैम मतलब होता है थ्री और संग मतलब होता है स्टार, जिसका मतलब होता है थ्री स्टार। अमेजिंग। फैक्ट नंबर टू, जैसे हम भारतीय टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट समझते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार बैकहोल लोडर नाम की मशीन को जेसीबी समझते हैं, जिसे आप जेसीबी के नाम से जानते हैं, उसका सही नाम बैकहोल लोडर है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है। जेसीबी एक कंपनी का नाम है जो बैकहोल लोडर जैसे कई बड़ी मशीनें का निर्माण करती है। जेसीबी का पूरा नाम जोसेफ सीरियल बम्फोर्ड है। कुछ लोग पूछते हैं कि बैकहोल लोडर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। बैकहोल लोडर्स को हिंदी में खुदाई करने वाली मशीन कहा जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास चलने वाली गाड़ियों के टायर ब्लैक कलर के ही होते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। दरअसल टायरों को बनाने के लिए रबर का यूज किया जाता है, लेकिन रबर सॉफ्ट होने के कारण जल्दी घिसकर खराब हो जाती है। इसे हार्ड बनाने के लिए कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, जिसके कारण टायर का कलर ब्लैक हो जाता है, जिससे इसके टायर में मजबूती आती है और जल्दी घिसते नहीं है। यही वजह है कि टायर ब्लैक कलर के ही होते हैं। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों क्या आपको पता है एक ऐसा आदमी जो लोहे के बने पूरे प्लेन को खा गया था? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। फ्रांस के मिचेल लोटिटो ने सेसना 150 एयरप्लेन खा गया था। मिचेल पलंग से लेकर टेलीविजन, कंप्यूटर, साइकिल और धातु की कई चीजों को खा जाते थे। धातु से बनी चीजें खाने के लिए वो पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते थे और उन्हें बराबर मात्रा में पानी और मिनरल ऑयल के साथ खा जाते थे। लेकिन सवाल आता है कि ये पचा कैसे पाता था। डॉक्टर्स के मुताबिक मिचेल के पेट की आंतों में एक मोटी परत थी जो सामान्य इंसानों में नहीं होती है। यही वजह है कि वो धातु हो या कांच या फिर रबर बड़ी आसानी से खाकर पचा लेते थे, और इसी कारनामा की वजह से मिचेल का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों कैसी लगे हमारी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी।